केंद्र सरकार ने श्रमिकों को त्योहार से पहले बड़ी खुशखबरी दी है, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को। सरकार ने इनकी न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये दर 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई है। इस फैसले से कितने श्रमिकों को हो रहा लाभ और स्किल्स के आधार पर कामगारों की कितनी कैटेगरीज होती हैं और किस कैटेगरी के श्रमिक को मिलती है सबसे ज्यादा मजदूरी, साल में सरकार कितनी बार और कब मजदूरी रिवाइज करती है, जाने सब कुछ आसान भाषा में। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की मजदूरी दर बढ़ाने से 45 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को लाभ हो रहा है। स्किल्स के आधार पर कामगारों को मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली अनस्किल्ड, दूसरी सेमी स्किल्ड, तीसरी स्किल्ड और चौथी हाईली स्किल्ड। पहली अनस्किल्ड कैटेगरी में वो मजदूर आते हैं जो सामान उठाना, लोडिंग अनलोडिंग, साफ सफाई जैसे काम करते हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी दर अब 783 रुपए प्रतिदिन होगी और प्रति माह ये 20,358 रुपए तक कमा लेंगे। इसके बाद दूसरी सेमी स्किल्ड कैटेगरी में वो श्रमिक आते हैं जो कुछ हद तक प्रशिक्षित होते हैं, उदाहरण के तौर पर मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर। इनकी न्यूनतम मजदूरी दर अब 868 रुपए प्रतिदिन होगी। ये महीने का करीब 22,568 रुपए कमा लेंगे। फिर तीसरे नंबर पर स्किल्ड कैटेगरी आती है, जिनके पास किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव होता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बिना हथियार वाले चौकीदार या गार्ड जैसे लोग शामिल हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी दर 954 रुपए प्रतिदिन होगी। इसके बाद अंत में हाईली स्किल्ड मजदूर आते हैं जो अत्यधिक कुशल होते हैं और इसमें हथियार के साथ चौकीदारी जैसे लोग शामिल हैं। इनकी न्यूनतम मजदूरी दर 1,035 रुपये प्रतिदिन होगी। इसी कैटेगरी के मजदूरों को सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है। सरकार साल में 2 बार मजदूरी दर रिवाइज करती है। सरकार अप्रैल से अक्टूबर के बीच में मजदूरी दर रिवाइज करती है, क्योंकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में 2.40 अंकों की बढ़ोतरी के बाद मजदूरी दर में रिवाइज महंगाई से निपटने में श्रमिकों की मदद करेगी। आप संगठित क्षेत्र में आते हैं या असंगठित क्षेत्र में, कमेंट करके जरूर बताएं।